तो अनाग्लो रसोई की रंगत में हम केरी का, कच्ची केरी का बघारिया जो हम एक वीक तक खा सकते हो फ्रिज में रख के गुड़ के साथ में, वो बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक आम को छिलके उतार के काट के रखा है और मैंने कढ़ाई में तेल रखा है 3 टेबलस्पून, उसमें राई, तिल, दालचीनी और लौंग डाला है। अब जैसे ही राई हो जाएगी हम उसमें हींग और हल्दी डालेंगे। दोस्तों मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल में राई, तिल, तर्द, लौंग और ये मैं वरियाली डाल रही हूँ और हम बना रहे कच्ची केरी की बघारिया, जो गुजरात में केरी की आम की सीजन में लोग बना के रखते हैं और एक एक वीक तक खाते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। ये गुड़ में बनती है सब्जी, आम का बघारिया। तो राई और तिल हो गए, अब हम उसमें हल्दी डाल के कटे हुए आम के पीसेस डालते हैं। गैस को स्लो कर दे, स्लो कर देते हैं क्योंकि हमारी हल्दी जल ना जाए। ये लगभग एक कटोरी जितना आम काटा हुआ है, तो एक कटोरी गुड़ डालेंगे। दोस्तों आपने देखा मैंने बघार में तज, दालचीनी, लौंग, राई, तिल और सौंफ भी डाली थी और फिर मैंने हल्दी डाल के केरी डाली और अब मैंने स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची डाली। अब इसको चला लेंगे और फिर उसमें हम थोड़ा पानी डाल के गुड़ डालेंगे और 5 मिनट के लिए उसको ढक के पकाएंगे। यहाँ पे मैं, दोस्त आप देख सकते हो, मैंने आधा ग्लास पानी डाला है। अब मैं इसमें गुड़ डालूंगी। हम अनाग्लो रसोई की रंगत में केरी के आम के बघारिये बना रहे हैं, जो एक वीक तक नहीं बिगड़ती सब्जी, ये गुड़ में बनती है। और इसके 5 स्टेप इस प्रकार है दोस्तों। फर्स्ट स्टेप में मैंने केरी को छिलके निकाल के छोटे पीस में काटा। सेकंड स्टेप में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल में राई, सौंफ, तिल, दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग डाल के बघार किया और बघार जैसे ही हो गया मैंने हींग हल्दी डाल के हमारे आम के पीसेस डाल दिए। थर्ड स्टेप में मैंने उसमें सूखे मसाले, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक और गुड़ या शुगर डाल के मैंने आधा ग्लास पानी डाल के तैयार किया। फर्स्ट स्टेप में हम उसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे और फिफ्थ स्टेप में हम उसको 5 मिनट के लिए खुला पकाएंगे, जिससे पानी सब जल जाए और एक गुड़ की चाशनी जैसा रसा बन जाए। धन्यवाद दोस्तों। अनाग्लो रसोई, दोस्तों मैंने एक कटोरी गुड़ डाला है और अब मैं 5 मिनट के लिए ढक के पका रही हूँ। स्टेप में दोस्तों हम उसको खुला भी 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे उसमें पानी का भाग न रहे और गुड़ की चाशनी बन जाए। धन्यवाद। अनिला शाह फ्रॉम अनाग्लो रसोई की रंगत।